हेलो ब्रिवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूँ। आज की शाम जूनियर असिस्टेंट के बच्चों के नाम रहा और UPSC द्वारा जूनियर असिस्टेंट 1262 भर्ती का जो रिजल्ट है, जो मेंस का रिजल्ट है, ये जारी कर दिया गया है। ध्यान रहे, इसके बाद आपकी टाइपिंग होनी है, तो ये जो रिजल्ट है आपकी टाइपिंग के लिए जारी की गई है। टाइपिंग के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हम पूरी डिटेल में इस वीडियो को में देखेंगे कितने गुना बच्चों को बुलाया गया है। साथ ही साथ टाइपिंग के लिए भी आपको टिप्स दी जाएगी, कट ऑफ पे भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंतर जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा, आज से लगभग 12 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। ये रही वीडियो, 25 जनवरी को वीडियो अपलोड किया गया था, आप जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको साफ साफ अच्छा बताया था कि आपका जो रिजल्ट है 5 फरवरी के आसपास जारी कर दिया जाएगा। और कल 5 फरवरी था, कल वीडियो नहीं आई थी, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया था उसी वीडियो में कि सर 5 फरवरी तो आ गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। आप यकीन मानिए, अगर कोई न्यूज़ आपको दी जाती है तो पूरी कोशिश की जाती है कि उसके 100% एक्यूरेटी रहे, और 5 से 6 हुआ आपका रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी सटीक थी। जो 12-13 दिन पहले बताई गई थी वो 5 तारीख की जगह 6 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है जारी कर दी गई, यानी कि लगभग लगभग 100% एक्यूरेसी यहाँ पे आपको बताई गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही आप इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है कुछ बच्चे उस वीडियो में बताई गई हमारी कट ऑफ से सहमत ना हो, क्योंकि हमने कट ऑफ जो है 56-57 नंबर के आसपास बताई थी 5 गुना होने पर। ठीक है, उससे सहमत ना हो तो मैं उन्हें उस बात से भी सहमति अभी प्रकट करवा दूंगा, सहमति बनवा दूंगा कि क्यों वो भी सही था और जो कट ऑफ जारी किया गया ये भी सही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरी कट ऑफ को। ये आपकी लिस्ट है, लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें अनारक्षित वर्ग का जो कट ऑफ है ये 48.25 है, और वही कट ऑफ आपकी OBC की भी है 48.25। ठीक है, और वही कट ऑफ आपकी EWS की भी है 48.25। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि जनरल, OBC एंड EWS तीनों की जो कट ऑफ है आपकी 48.25 ही रखी गई है। अगर आप यहाँ ये सोचेंगे, ध्यान देंगे बातों पे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो बेसिक है कैटेगरी, जो बेसिक मानी गई है वो आपकी जनरल की मानी गई है। जी हाँ, जो बेसिक कैटेगरी है आपकी वो जनरल की मानी गई है, और उसी को ध्यान में रखते हुए बाकी OBC एंड EWS की जो कट ऑफ है गिराई गई है। मैं 21 बेस पे बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ जो टोटल सीटें थी 1262 थी, और इसका जब 5 गुना किया गया है, 5 गुना, तब जो टोटल सीटें हैं वो आ रही हैं 15172 के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है 5 गुना कह के। ये कैसे होता है इसका पूरा मैथ मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली वो 5 गुना के जब बात करते हैं तो उस 5 गुना में वो OBC के 5 गुना, जनरल के 5 गुना और EWS के 5 गुना रखते हैं। ठीक है, इन डैट केस आप जानते होंगे UP में जो है OBC की जनसंख्या जो है भारी भरकम है, कोई भी फॉर्म पढ़ते हैं तो 45% जो है ये आपके OBC वाले भरते हैं, लेकिन जनरल की पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 20% के आसपास बैठता है। आप कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए, 20-30% के आसपास जो है आपका जनरल का बैठता है। इस हिसाब से आपका जनरल को बेस बनाया गया है और OBC एंड SC को वहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, OBC एंड EWS को जोड़ा गया है, इसलिए आपकी जो बच्चों की संख्या है ये 15,000 समथिंग चली गई है। ठीक है, और इसलिए जो आपकी कट ऑफ भी है ये 48.25 तक आ गई है, वरना अगर 5 गुना करके 6,000 या फिर 7,000 बच्चों को जोड़ा गया होता तो जो आपकी कट ऑफ है 58 के आसपास ही देखने को मिलती। आप इस बात पर विश्वास करिए, और अगर नहीं करते हैं तो फाइनल कट ऑफ में देख लीजिएगा कितना भारी उछाल देखने को आपको मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारी कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ जो है लगभग 19-20 नंबर तक बढ़ सकता है, अगर टाइपिंग में बच्चे फेल नहीं होते हैं तो। लेकिन मैं बता दूं, टाइपिंग में जो है, जो अब तक के एग्ज़ाम्स का डाटा एनालिसिस मैंने किया है उसके आधार में मैं बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने UPSCL एजुकेटिव असिस्टेंट की टाइपिंग दी थी, जहां पे हिंदी की टाइपिंग जो है 30 मांगी गई थी और इंग्लिश की जो है 35 मांगी गई थी। ध्यान रहे, जिस असिस्टेंट में हिंदी की 25 है और इंग्लिश की 30 है, तो मैंने जो एनालिसिस किया था अपने समय में कि कितने बच्चे आपके टाइपिंग में पास और फेल होते हैं, और उसमें मैंने जो सोचा हुआ था कि मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा, हालांकि मैं फाइनल सिलेक्टेड हूँ इस समय,
ठीक है, तो उस गणित के हिसाब से लगभग हर एग्जाम में अगर आपका टाइम नहीं देता है सरकार, तो 60% जो बच्चे हैं वो टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। इन दैट केस अगर आपको टाइमिंग मिल जाती है प्रिपरेशन करने की, उस केस में आपको 40% जो बच्चे हैं ये फेल हो जाते हैं। भले आपको कितना भी टाइम दे दिया जाए, 40% बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। और यूपीपीसीएल में, माफ़ कीजिएगा, UP SSC में जो है आपका स्पीड जो कि 25 और 30 है, और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 35 से 40% बच्चे तो फेल होंगे ही होंगे अगर वो टाइम कितना भी क्यों ना दे दें, क्योंकि स्पीड मायने नहीं रखता है, आपका कॉन्फिडेंस उससे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि 500 बच्चों को बुलाया गया है, ये तो आप देख लिए, कट ऑफ जो है उम्मीद से कम, ये भी आप देख लिए, 100% हमारी न्यूज़ सही हुई ये भी देख लिए। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी टाइपिंग में हम आपके साथ हैं। टाइपिंग में मैंने जब UPPCL की तैयारी की थी, माफ़ कीजिएगा, UPPCL की टाइपिंग की जो तैयारी की थी, तो उस समय मेरी जो स्पीड थी इंग्लिश की 0 थी और हिंदी की 0 थी। हालांकि मैं बता दूं, 0 स्पीड किसी की भी नहीं होती है, अगर आप टाइपिंग करना और देख के भी करेंगे तब भी आपकी 5, 6, 8 की स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो 0 कहना तो वाजिब नहीं है, लेकिन मेरा 0 से अभिप्राय यह है कि मैंने उससे पहले टाइपिंग कभी भी नहीं की थी। ठीक है, और तब भी मेरे विद इन मंथ मेरी जो टाइपिंग है 25 हिंदी की टच कर गई थी, 25 की टच कर गई थी, और इंग्लिश की भी स्पीड लगभग 30 के आसपास आ गई थी। ठीक है, विद इन मंथ में ये आ गई थी। हालांकि मुझे और टाइम मिला और मैंने स्पीड जो एग्ज़ाम दिया था एग्जाम, उसमें मैंने हिंदी की 35 मारी थी और इंग्लिश की 40 मारी थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग की पूरी गाइडेंस दी जाएगी, क्योंकि टाइपिंग जो है आपका दो चीज़ों का गेम है, एक है आपका फोकस और दूसरा है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप टाइपिंग में आराम से बहुत ही अच्छी स्पीड ला सकते हैं। 25 की स्पीड लाना हिंदी में कोई भी बड़ी बात नहीं होती है, आप ये समझिएगा 25 की स्पीड लाने में आप जितनी मेहनत करोगे उससे लगभग डबल आपको मेहनत करनी पड़ती है 30 की स्पीड लाने में। शायद आप अभी इस बात पर विश्वास नहीं कर होंगे, लेकिन जब आप टाइपिंग सीखेंगे तो आप जरूर देखेंगे कि 25 की स्पीड आपकी कितनी जल्दी आई और 30 की स्पीड आने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। जब वो आप मेहनत देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लास्ट के 5 WPM बढ़ाना बहुत ही टफ टास्क होता है। ठीक है, तो आप लोग आराम से 25 की स्पीड ला सकते हैं, बशर्ते कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेंगी। पहली सावधानी ये है आपको कि आपको कोशिश करना है एक्यूरेसी आपकी अच्छी रखने की। हालांकि आपके एग्ज़ाम में एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी अगर आप अच्छी रखेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक अच्छी आएगी। बाकी बहुत सारी बातें आपको टॉपिक के बारे में बतानी है, मैं कोशिश करूँगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। और टाइपिंग के सारे टिप्स या फिर आप कहेंगे तो टाइपिंग की क्लासेज भी चला सकते हैं हम, बशर्ते आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिएगा, और कट ऑफ 48 नंबर है, इससे ज़रा खुश मत होइएगा। अगर आपके 60 से कम नंबर हैं जनरल या फिर OBC में तो उम्मीद लगभग नहीं के बराबर है, दुख हो रहा कहते हुए, लेकिन मेरे अनुमान से ये मुश्किल ही है, क्योंकि मैंने एक एनालिसिस किया हुआ था, उसके आधार पर आपको कट ऑफ बताई हुई थी। लेकिन फिर भी आप लोग टाइपिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग आपकी आगे आने वाले कई एग्जाम्स में काम आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं जूनियर असिस्टेंट में 55-12 वाली भी वैकेंसी है, उसमें आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी काम आएगा ही आएगा, या फिर अभी आप टाइपिंग सीख लेंगे तो भविष्य में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।